हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होममेड जैसो की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने इस पे ये वाले 2 स्पून भर के बेबी पाउडर लिया। आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं और टेलकम पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने बेबी पाउडर लिया है, बेबी पाउडर का सबसे अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद आप 2 स्पून लीजिए। उसके बाद आप इसमें जितना आपने 2 स्पून नाप के लिया है, 1 स्पून आपको फेविकॉल लेना है। ये मैं वुड वाला ले रही हूँ, आप कोई भी फेविकॉल ले सकते हैं। मैं थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी, देखिए मैंने इस तरह से इसमें बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। फिर मैंने इसी स्पून से मेज़र करते हुए 1 स्पून भर के वाटर डाला है। और ये एक्रेलिक कलर ऑप्शनल है, मैंने जो पहले बनाया था उसमें नहीं डाला था, बट इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस आपको जितना पाउडर लेना है, 2 स्पून पाउडर लिया है आपने जैसे, तो 1 स्पून आपको फेविकॉल डालना है और 1 स्पून आपको पानी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है और बेबी पाउडर में बनाइए, आपका बहुत अच्छा जैसो तैयार होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप इसके बाद आप कभी खरीदने की सोचेंगे भी नहीं, बिल्कुल अच्छा थिक पेस्ट तैयार होगा। अभी मैं इसको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, मिक्स हो जाए अच्छे से। इसमें डाल के मैं पूरा मिक्स कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें मिक्सिंग अच्छे से हो नहीं रही है। कैनवस बोर्ड बनाया तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है और ये रेडी हो जाएगा। इस तरह का आपका थिक पेस्ट एक जैसो का, होममेड जैसो का रेडी हो गया। इसको मैं करके दिखाती हूँ। मैंने अभी कैनवस बनाए हैं वो, आप ड्राई होने पे करें तो ज़्यादा अच्छा आता है इफेक्ट, लेकिन कोई कहेगा नहीं है, बिल्कुल मार्केट जैसा जैसो बन के रेडी होता है। ये देखिए, और इफेक्ट भी वैसे ही आता है। पेंटिंग में आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, इसके इस टाइप के बोर्ड पे बनाई हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों बोर्ड पे आपके सामने लगाया है, अप्लाई किया है और ये इस तरह का निकल कर आएगा आपका ड्राई होने पे। ये देखिए, ये बोर्ड, ये भी जैसो लगाया हुआ है। ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसो का पेस्ट बनाने के बाद आपको इस तरह बॉटल में भरकर रख लेना है, एयर टाइट कंटेनर में, और उसको अच्छे से कैप लगा देना है। ये देखिए, मेरी एक पुरानी बॉटल है जिसमें मैंने भर के रखा हुआ है, और ये इसके रहे आर्टिकल बनाए हुए, और ये मेरा होममेड जैसो।